तो गाइस हम कर रहे हैं अब हरियाणा में एंटर। तो गाइस निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फोटोग्राफ सारे ग्राफ हो चुके हैं। फोटो हो गए, ग्रुप फोटो ले लिया, ले ग्रुप फोटो एक ले ले, फटाफट कर। सारे राइडर निकल चुके हैं, मैं अभी सबसे पीछे हूँ क्योंकि शूट कर रहा हूँ मैं इन सारे राइडरों को, इस वजह से अब निकलूंगा। ओ भाई साहब, गर्मी इतनी लग रही है इसके अंदर, इतनी गर्मी लग रही है क्या बताऊं। अच्छा, मैं क्या कर रही है? अच्छा, मैं क्या कर रही है? क्या हुआ, ब्रेक नहीं लगेगा? ऐसा मत करो भाई। ओ भाई साहब लग गई। चलो कुछ नहीं हुआ। हैं? एक बार मार के देख लो ना ब्रेक। मैं कह रहा पता नहीं आज बिजली नहीं दिखाया मैंने यहाँ पे। अरे पानी की वजह से हो गया होगा पता यार। चलो भाई मेंटेन करके रखो भाई दूरी। कोई नहीं, थोड़ी सी पप्पी सी ले ली है इसने। कोई नहीं यार, आराम से चलाओ भाई। कोई यार रेस नहीं कर रहे हम, समझ रहे हो ना, रेस थोड़ी ना कर रहे हम, आराम से चलाओ भाई। बंदा पीछे है, जिम्मेदारी होती है। चलो कम ऑन। तुम अबे कहाँ आ रहा भाई उल्टा, पांच बजे ले लिया। भाई साहब बंदे की बाइक के ब्रेक ही नहीं लगे। ओ भाई हम भी आएंगे।
भाई वाह भाई वाह। अबे भाई गाय दम दराज शरीफ क्या हुए, लोग बदमाश हो गए और हमारा मुंह धुला के चले भाई के पानी से यार। ये देखो सो भाई देख कार वाले ने ऐसी तकलीफ छींटे दी है हमें, भाई क्या बताऊं। लो जी भाई साहब आज पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कैंपिंग का मामला तो भाई हो गया है कैंसिल सा, क्यों क्योंकि जो भाई बारिश बहुत है और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ हो सकता है पानी हो तो कैंप लग भी ना पाए, तो इसलिए भाई देखते हैं वहाँ चल के क्या होगा। भाई आराम से ही चल ले, अच्छी ही कह दे तो भाई आराम से ही चल रहे हैं हम। हाँ चल 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 चल, ये आगे कम पीछे ज़्यादा देख रही है, अभी तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता, नाम क्या है इसका, नाम ही पूछना पड़ेगा पहले। ओके ओके सो गाइस हम कर रहे हैं अब हरियाणा में एंटर, हरियाणा में एंटर गाइस हमने कर दिया, बॉर्डर क्रॉस कराया तो भाई साहब चलो 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 यार, कहीं बारिश कम है और कहीं बारिश ज्यादा है। नीचे चलो नीचे नीचे सवाई नीचे चलते हैं, नीचे ही ज्यादा सही है, रास्ता जितना पता हो आदमी उतना ही काम करे। अरे क्या हुआ रे, अरे छत टपक रही है, छत टपक रही है छत। हाँ बारिश के मौसम में तो भाई पानी टपकेगा जाहिर सी बात है, ऊपर देखने से क्या फायदा।
भाई बिल्कुल जंगल का एरिया है भाई, वाह चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और ऐसे में अगर हो जाए बारिश तो भाई यहाँ तो बच भी नहीं सकता बंदा। लेकिन नई जगह है तो भाई अच्छी फीलिंग है, हर बार अगर नई जगह जाओ ना तो उसका मजा ही अलग है। तो भाई पूरा गांव है ये तो, बिल्कुल जैसा गांव का माहौल होता है ना, जैसे हम किसी गांव में चले जाए, शायद आयान तो कभी गया नहीं है ऐसी जगह पे गांव जैसी, लेकिन मैं गया हूँ ऐसी जगह पे तो मुझे वही फीलिंग आ रही है कि गांव जैसी फीलिंग है और लोग घूम रहे हैं भाई। वैसे तो अब गाँवों में भी गाइस हर तरीके की फैसिलिटीज़ हो गई है, ऐसा नहीं है कि गांव में फैसिलिटीज़ नहीं है, पहले कारें देखने को नहीं मिलती थी गाँव जैसी जगहों में, और अब तो भाई हर चीज़ होती है हर चीज़। ये लो जी, ये पता नहीं हम कौन सी जगह आ रहे हैं, ओहो हो ये भाई साहब हटो हटो हटो, जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन अब।